सिन्हा का कहना है कि इस चिट्ठी की कोई कानूनी वैधता नहीं है, सिर्फ राजनीतिक वैधता है। सिन्हा का कहना है कि फर्जी एनकाउंटर के मामले में सीबीआई पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी है और वो तब तक कोई नई जांच नहीं करेंगे जब तक किसी के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत ना मिले। हम ये आपको बता दें कि डीजी बंजारा ने गुजरात सरकार को लिखे अपने इस्तीफे में कहा था कि वो मोदी के इशारे पर एनकाउंटर कर रहे थे, उनका धर्म है कि वो मुठभेड़ के जिम्मेदार लोगों का नाम उजागर करें ताकि सच सामने आ पाए। पंजाब इशरत जहां, कौसर बीस और अबुद्दीन और तुलसी प्रजापति के फर्जी एनकाउंटर का आरोप है। एहतशाम खान हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ। एहतशाम, क्या मतलब निकाला जाए? सीबीआई डायरेक्टर ने साफ ये कहा है कि इससे नई जांच हो इस चिट्ठी के आधार पर, ऐसा कोई बात नहीं। देखिए, ये बात सही है और पहले दिन से ही जब से ये चिट्ठी सामने आई, कानूनी जानकारों का ये कहना था कि जो कोर्ट में मामला चल रहा है एनकाउंटर्स को लेकर, उसमें तथ्य देखे जाते हैं कि क्या कोई नया खुलासा हो रहा है कि किसके इशारे पर एनकाउंटर हुआ और एनकाउंटर वो फेक था। सबसे बड़ी बात यह है कि बंजारा ने अपनी चिट्ठी में कहीं भी ये नहीं कहा है कि वो एनकाउंटर फेक थे। उन्होंने जिहादी टेररिज्म से लड़ने की बात कही है और पॉलिटिकल मास्टर्स की बात मानने की बात कही, लेकिन ये कहीं नहीं कहा है कि कोई भी एनकाउंटर जेन्युइन नहीं था या फर्जी था। इसलिए अभी जो लेटर आया है उस बिना पर ये कोई आगे कार्रवाई नहीं हो सकती, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अगर बंजारा आगे कोई खुलासा करते हैं जिसमें वो सवाल उठाते हैं कि एनकाउंटर ही फेक था, तब शायद ये हो सकता है कि जांच आगे बढ़े या दोबारा से पूछताछ की जाए। लेकिन फिलहाल जो चिट्ठी आई है उस पे जो सीबीआई डायरेक्टर हैं उनका जो कहना है वही कानूनी जानकारों का भी मानना है। उसके अलावा उन्होंने एक बात और कही है एहतशाम, उन्होंने कहा कि इसकी कोई कानूनी वैधता नहीं है इस चिट्ठी की, सिर्फ राजनीतिक वैधता है। बिल्कुल, ये चिट्ठी एक रेजिग्नेशन लेटर है, इसका जो एनकाउंटर हुआ था उसके उससे कोई लेना देना नहीं है। उसमें कोई ऐसे तथ्य नहीं दिए गए हैं कि वो एनकाउंटर फेक था या जेन्युइन था, तो इसलिए उस जो मुकदमे में इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। ये जरूर है कि उसका एक राजनीतिक मकसद था और अगर आप पूरा लेटर आप पढ़ें तो उससे कहीं ना कहीं यही नजर आ रहा है कि किस तरह से राजनीति चल रही थी गुजरात में और गुजरात की सरकार एनकाउंटर्स का इस्तेमाल कर रही थी। तो ये सारी राजनीति बातें हैं, जहां तक कानूनी वैधता की बात है कि कानून में एज एन एविडेंस सबूत के तौर पर इसे लिया जाए तो शायद ऐसा नजर नहीं आ रहा है, यही कानूनी जानकारों का भी मानना है। बिल्कुल, तो हम आपको बता दें कि जेल में बंद गुजरात के आईपीएस अफसर डीजी बंजारा की चिट्ठी पर भले ही बवाल मचा हो, लेकिन सीबीआई निदेशक है उनका मानना है कि उस चिट्ठी के आधार पर वो कोई नई जांच नहीं कर सकते। सीबीआई के निदेशक रंजीत सिन्हा का साफ कहना है कि इस चिट्ठी की कोई कानूनी वैधता नहीं है, सिर्फ पॉलिटिकल यानी राजनीतिक वैधता है। सिन्हा का कहना है कि फर्जी एनकाउंटर के मामले में सीबीआई पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी है और वो तब तक कोई नई जांच नहीं करेंगे जब तक किसी के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत ना मिले। हम आपको यह बता दें कि बंजारा ने गुजरात सरकार को लिखे अपने इस्तीफे में कहा था कि वो मोदी के इशारे पर एनकाउंटर कर रहे थे और उनका धर्म है कि वो मुठभेड़ के लिए जिम्मेदार लोगों का नाम उजागर करें ताकि सच सामने आ पाए। बंजारा पर, जैसे कि आपको मालूम है, इशरत जहां, कौसर बीस और अबुद्दीन और तुलसी प्रजापति के फर्जी एनकाउंटर का आरोप है। हमारे साथ एहतशाम खान लगातार बने हुए। एहतशाम, अब जिस तरह से कांग्रेस खासतौर पर अगर हम बात करें तो नए सिरे से जांच की बात कर रहे हैं, तो अब ऐसा जो बात सीबीआई निदेशक ने कही है, ऐसा लगता नहीं कि अब कोई किसी तरह की नई जांच होगी इस पर? देखिए, अभी भी ऐसा नहीं कि ये रास्ता बंद हो गया है, क्योंकि जो सोहराबुद्दीन एनकाउंटर का मामला है, तुलसीराम प्रजापति का मामला है, इसमें जो मुकदमे चल रहे हैं उसमें पक्षकार तुलसीराम की माँ भी हैं और सोहराबुद्दीन के भाई भी हैं, तो ये लोग अपनी बात कोर्ट में रख सकते हैं और कोर्ट ये डायरेक्ट कर सकता है सीबीआई को कि आगे भी तहकीकात करें। लेकिन जो चिट्ठी अब तक सामने आई है, सिर्फ उस चिट्ठी के बिना पर कोई आगे तहकीकात हो ऐसा नहीं हो सकता। ये जो सीबीआई के डायरेक्टर कह रहे हैं ये बात कानूनी जानकारों का भी मानना है, लेकिन उस चिट्ठी का मतलब सिर्फ ये था कि शायद अब बंजारा टूट रहे हैं और टूटने के बाद वो कोई और खुलासा करें जिसमें वो ये बात कहें कि जो एनकाउंटर हुआ वो बिल्कुल फर्जी था, तब शायद सीबीआई को ये मजबूरन ये तहकीकात करनी पड़ेगी और पूछताछ करनी पड़ेगी और क्या कोई आगे खुलासा हो सकता है इस बात को देखना होगा। लेकिन सिर्फ जो चिट्ठी अभी तक सामने आई है उस बिना पर कोई आगे कार्रवाई हो ऐसा मुमकिन नहीं लगता है, और ये सीबीआई डायरेक्टर का कहना है जो कि शायद कानूनी नजर में भी सही है। लेकिन ये जरूर है कि अगर आने वाले दिनों में बंजारा और कोई खुलासा करते हैं जिसमें एनकाउंटर पर ही वो सवाल अगर उठाते हैं, तब वहां के जो शीर्ष नेतृत्व है गुजरात सरकार की, उनको काफी दिक्कतें हो सकती हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए एहतशाम खान।